तो हेलो दोस्तों, स्वागत है बी आर रैंक एपिसोड नंबर 5 में। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था हमारी इलाइट हीरोइक पे, मतलब 4 स्टार हमारे लग चुके थे एंड इस पे भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया था एंड हमारा स्कोर 4934 हो चुका था। तो आज के एपिसोड में दिखाता हूँ एक मस्त गेम प्ले। तो अभी तक मैंने रैंडम बंदों के साथ ही पुश किया था जितना हुआ उतना, लेकिन रैंडम बंदों के साथ पता ही है क्या सीन होता है, तो इसलिए मैं मेरे स्क्वाड के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे हम सेंटोसा पे उतर चुके थे एंड अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी, सिर्फ जैकेट और हेलमेट हमें ढूंढना था एंड फाइट लेने जाना था। तो यहाँ पे मैं वही ढूंढ रहा था, तो वेस्ट लेवल 2 मेरे को मिल चुका है, तो अभी हेलमेट चाहिए एंड सीधा जाते हम फाइट लेने। तो आप लोग देखना लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो फाइट भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड इस वाले एपिसोड में आपको एक ही मतलब गेम प्ले वीडियो दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा गेम प्ले नहीं ऐड करूँगा। तो एंड 5 स्टार ऐड हो चुके हैं मेरे, तो वो भी आपको लास्ट में दिखाऊँगा। एंड ये वाले सीरीज जो है हम लोग मास्टर तक ही रखेंगे, तो मास्टर तक ही मतलब खेलेंगे, उससे ज़्यादा पुश करेंगे तो एक वीडियो डाल के चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो उसके लिए भी देखना। तो अभी जिपलाइन पकड़ के सीधा चलते हम सामने की तरफ, तो यहाँ पे कोई रिवाइव दे रहा था तो देखते उसे मारने की ट्राई करेंगे एंड सीधा हम चलते पोचनॉक पे अभी। तो जिपलाइन से उतरते ही देखते यहाँ पे बंदे हो सकते, तो हम सीधा पोचनॉक चलते। पोचनॉक पे एक स्क्वायर तो उतरी थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से हम सीधा पोचनॉक निकल गए थे एंड आगे देखना आप वीडियो में। तो पोचनॉक पे हम लोग आ चुके हैं एंड पोचनॉक पे मेरे को सामने की तरफ ग्लू वॉल दिख रही है, तो देखते बंदे भी होंगे। तो ओके, यहाँ पे एक बंदा है एंड 35 डैमेज है, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। तो एक बंदा और एक है, लूट कर रहा है, इसको भी मारते रुको। तो ये भी डाउन है एंड मेरे को अभी फुट स्टेप आ रहा है, तो यहाँ पे एक बंदा है। ओके, तो इसको भी एक सेमेंट से मार दिया है। तो अभी पीछे एक और बंदा है, वो भी मेरे को डैमेज दे रहा है। तो हमारे 2 किल हो चुके हैं एंड सामने की तरफ एक बंदा डाउन भी है, तो फटाफट हील करना पड़ेगा। एक बंदा घर पे है एंड एक बंदा डाउन पड़ा है, तो देखते उसको भी मारेंगे। तो फायर तो आ रहा है सामने की तरफ से ही, एक सेमेट मतलब बहुत गजब ही चली, 35 का डैमेज देखे, तो देखते। तो हमारे टीममेट्स भी आ रहे हैं सामने की तरफ, तो यहाँ पे एक बंदा है, इस पे RG5 इफेक्ट है, 54 का डैमेज एंड यहाँ पे मेरे को ही डैमेज आ गया। तो हम नीचे जाके फाइट लेंगे सीधा, तो देखना। तो इसको काफ़ी डैमेज है लेकिन ये इसके पास शॉटगन है, तो इसको मैंने मार दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वेस्ट फाड़ दिया मेरा, लेकिन इसको मार दिया मैंने, वो भी सही वक्त पे ओरियन मैंने एक्टिव कर लिया, इसकी वजह से मैं बच गया। तो फटाफट मेडिकिट मार लेते हैं एंड देखते हैं और बंदे को मारने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जैकेट तो पूरा फट चुका था एंड यहाँ पे मैं जैकेट खरीद लेता हूँ एंड साथ ही में मेरे पास टोकन है, तो मैं M82B भी निकाल लेता हूँ वेंडिंग मशीन से। तो अभी M82B निकालते, रुको। ओके, तो अभी बाइजन और M82B में चला रहा हूँ एंड साथ में ट्रीटमेंट गन भी मैंने ले लिया है, क्योंकि वो लॉन्चर का जो है एमओ मेरा ख़त्म हो गया, तो वो तो कुछ काम का नहीं है अभी, तो ट्रीटमेंट गन इजी है, ट्रीटमेंट गन मतलब काम आएगी, तो इसलिए मैंने ले लिए। तो छोड़ो, अभी फैक्ट्री पे भी बंदे हो सकते, तो अभी देखेंगे क्या सीन होता है, आप लोग देखना। एंड ये आप 5वां एपिसोड है, तो आगे भी 5 एपिसोड मेरे ख्याल से बन जाएंगे एंड डेली तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं एपिसोड, लेकिन चिंता मत करना,
2-3 दिन में एक एपिसोड में आपको देता रहूँगा, तो यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे हमारा एक टीममेट सामने की तरफ गया था एंग्री पियर्स, एंड उसको बहुत ज़्यादा डैमेज भी आने लग गया था, देखना अभी। तो वो मतलब नॉकडाउन हो गया, एंड उसको मैंने ट्रीटमेंट भी मारा, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले बंदे ने उसको फिनिश कर दिया। एंड देखना अभी हमारा दूसरा टीममेट भी मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज खा गया था, एंड वो पीछे कवर में आ ही रहा था, एंड मैं भी मतलब कवर में ही बैठ रहा था। तो देखना अभी। लेफ्ट साइड से भी एक बंदा आ गया था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, तो मैं फटाफट सुपर मेडिकेट मार लेता हूँ एंड वेस्ट रिपेयर कर लेता हूँ। तो हम लोग सीधा पीछे ही भाग रहे थे, तो इतना ज़्यादा डैमेज दे रहे थे ये बंदे, तो देखना अभी आप क्या होता है हमारे साथ। तो हमारा एक बंदा तो निकल जाता है, एंड मुझे देखो अभी एक ही एच पी का लगभग छोड़ दिया था, वो तो अच्छा हुआ ग्लू वॉल फटाफट मैंने लगा दिया, एंड एक ही मेरे पास मेडिकेट भी था, तो इनहेलर और एक मेडिकेट लेके मैं यहाँ से भाग जाता हूँ फटाफट। तो अभी मेरा रिपेयर किट भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे टीममेट ने यहाँ पे एक बंदे को मार दिया, एंड वो एक बंदे को रिवाइव दे देगा, तो वो देखना। तो गाइस अभी फटाफट टोकन उठा लेता हूँ, एंड मेरा जो वेस्ट पूरा फाट दिया बंदे ने, तो अभी फटाफट रिपेयर किट ले लेता हूँ वेंडिंग मशीन से। तो एंड जोन भी बहुत ज़्यादा काट रहा है, तो जोन के अंदर ही जाते होगी फटाफट से। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऊपर एक बंदा है, एंड हवेली के आसपास भी एक बंदा है, तो देख के हमें खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बंदा हवेली के ऊपर है शायद, जो कि कब से परेशान कर रहा है हमारे टीममेट्स को। तो यहाँ पे एक अंदर बंदा है, तो इसको डैमेज देंगे, रुको। तो इसे रश करने देते, रुको। तो यहाँ पे इसको फटाफट डाउन कर देते हैं, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इसने खा लिया है, एंड इसको ऐसे ही छोड़ देते, हम जोन के अंदर जाते हैं फटाफट। तो मेरा किल जो है कन्फर्म हो चुका है, एंड मेरा एक इशू हो रहा है मोबाइल के साथ, वो बता देता हूँ जिसको भी नहीं पता। तो मेरा जो जॉयस्टिक है काफ़ी बार क्या हो रहा है अटक रहा है, इसकी वजह से मैं एनिमी को जो है मार नहीं पा रहा हूँ, तो ये सीन भी मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे एक और बंदा है जो रिवाइव करने जा रहा है मेरे ख्याल से अभी फैक्ट्री में, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, एक ही गोली का है लगभग। तो इसका सोनिया एक्टिव हो चुका है, एंड इसने मुझे भी बहुत डैमेज कर दिया है, तो मुझे भी रिवाइव करना पड़ेगा हमारे टीममेट को। तो अभी मेडिकेट भी नहीं है, इसका लूट बॉक्स लेते फटाफट, लूट लेते। तो अभी 14 अलाइव है, एंड मेरी 4 किल हो चुके हैं। तो अभी देखते भूया ट्राई करेंगे, 15 हो गए, एक और बंदा जिंदा हो गया। एंड ये जोन क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है, अचानक से जोन बदल रहा है। तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा बंदे फाइट ले रहे, तो हम हमारे टीममेट्स को टोकन देते, वो हमारे टीममेट को एक रिवाइव कर देगा। रुको, यहाँ पे एक और बंदा है, 74 का इसको डैमेज दिया है, रुको। तो ऊपर की साइड भी बंदे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे डैमेज दे रहे, तो जोन के अंदर भी जाना बहुत मुश्किल हो गया अभी तो, एंड ग्लू वॉल भी बार बार फोड़े जा रहे। तो मैं तो यहाँ पे डाउन हो चुका हूँ। भाई कैसे तैसे करके मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ, तो देखते अभी हमारे टीममेट्स को जो कवर फायर देंगे,
मेरे पास M82 भी, तो ग्लू वॉल के आर पार मारूंगा। तो अभी 71 का डैमेज दिया इसको, एंड मुझे पता नहीं लेफ्ट साइड से डैमेज आया एंड मैं नॉकडाउन होके फिनिश कर दिया उस बंदे ने मुझे। तो अभी देखते हम रिवाइव तो नहीं होंगे, तो हमारे टीममेट्स निकाल पाते तो भैया तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मिस्टर सूरज के 7 किल हो चुके हैं, जो कि हमारा एक फ्रेंड है। तो देखते जोन के बाहर ही है, हमारे 2 टीममेट्स है एंड सामने की तरफ 5 बंदे, तो अलग अलग टीम से वो लोग भी। तो यहाँ पे एक को रेड मार के यहाँ पे डाउन कर दिया है हमारे टीममेट ने, तो यहाँ पे उसको क्लियर कर दिया है। तो अभी 2v4 का सिचुएशन है, एंड यहाँ पे एक बंदी को नहीं पता था हमारा बंदा जोन के बाहर से मार रहा है, एंड यहाँ पे वो डाउन हो चुका है एंड उसको भी रिवाइव मिल गया है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो यहाँ पे एक और किल कंफर्म हो चुका है, हमारे भाई के 9 किल हो चुके हैं एंड इसका पता नहीं सोनियो एक्टिव हो चुका है एंड ये डाउन हो चुका है। तो इसको रिवाइव मिलना तो पॉसिबल नहीं है, अभी 1v1 का सिचुएशन है। हमारा एक टीममेट नीचे एंड एक टीममेट ऊपर है, तो एक 1v1 का सिचुएशन है अभी। तो देखते वो बंदा कहाँ पे एंड हमारा बंदा उसे मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे एक बंदा लूट कर रहा है एंड इसको हेडशॉट के साथ हमारे टीममेट ने इसे मार दिया एंड इसी के साथ भूया भी हो। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों बोला था ना कि फेमस होके दिखा दूंगा, बोला था ना।